अरे अरे, मैं चींटियों के ऊपर ही बैठी हूँ। क्या हुआ माँ? ऐसे आई इतनी चींटियाँ। हंस क्या रहा है निर्लज्ज? श्रेया को मैं बोलती हूँ, इसके ऊपर खाना मत खा। वो खाने का ऐसा बारीक बारीक गिरता है और उसको फिर छोटी छोटी चींटियाँ लगती है। माँ क्या है ये? मैं कितने दिन से आपको कॉल कर रही थी, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? हाँ रहने दीजिए, आपको पता यहाँ पे क्या क्या हुआ? अरे बहुत बड़ी जादूगरनी आई थी, माया माया नाम की। मैं उससे डरूंगी, आपको क्या लगता है? आपकी बेटी हूँ, उसको मैंने ऐसा वो आपने वो कौन से वो जादू का नाम दिया था मुझे, वो ऐसा कर दिया, बेहोश हो गई वो। शर्मिला का है, उड़ रही होगी घर में, जाके देख, मैंने रखती उसके ऊपर नजर। शर्मिला शर्मिला हाँ नहीं नहीं शर्मरी को किडनैप करके ले गया था, बहुत बड़ा राक्षस था, जादू टोना राक्षस नहीं, क्रिमिनल था, क्रिमिनल राक्षस नाम था उसका। शर्मिला मुझे क्या है? हाँ बोलो माँ। वैसे आप कहाँ गई थी, फोन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया? हे क्या है, मेरे घर में कोई वैल्यू है? वो पापा आते मुझे डांटते, माँ आती है मुझे डांटती है, ये तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। क्या लाइफ में रखा कुछ नहीं है। अच्छा हो गए दर्शन, क्या बोल रही थी पापा जी? हाँ हाँ माँ क्या हुआ? ये शर्मिला देखो ना, फोन पे बात कर रही है अपनी माँ के साथ, मेरे इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या करूँ मैं, कैसे बोलूँ, किसको बोलूँ? ये देख, तूने अपना लव मैरिज किया है, मुझे बार बार आके मत पूछ, वो पसंद मेरी नहीं है, तेरी पसंद है। मैंने तो तेरे लिए चंद्रमुखी का रिश्ता लाया था। क्या थी वो, तुझे कहाँ से ये पसंद आई? ये तो सिर्फ चंद्र नहीं, मुखी है, मुखी बस बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, कमी नहीं होती मुखी। पता नहीं माँ मैं उस टाइम शर्मिला के प्यार में कैसे पड़ गया, जाने दो ना, अभी जो हो गया सो हो गया। मुझे तो अभी भी तेरी पसंद देख के शौक लगता है, तू मेरा बेटा है और तेरी पसंद ऐसी। अरे मैंने तेरे लिए क्या भला की खूबसूरत लड़की देखी थी, संस्कारी, सुशील, गुणी, चंद्रमुखी। माँ छोड़ो ना उस बात को, अभी क्या करे पहले ये बोलो। तो भोग अपने कर्मों के फल, मुझे क्या बोल रहा है। ये देख अभी मैं घर में होती हूँ, मुझे पता है वो दिन में 10 कॉल करती है अपने घर वालों को, इतना कॉल कौन करता है? अभी तू ही बता, हम सबकी शादियाँ हुई, हम सब अपने अपने घर चले गए, हाँ 1-2 साल ठीक है, शादी को 20 साल हो गए, हर रोज उसके 10-10 फोन होते हैं घर को। माँ मैं आती हूँ, हाँ बुढ़िया का शुरू हो गया। जब देखो तब अपनी माँ के साथ बातें करती है, टोटके बाजी सीखती है, माँ का कॉल जैसे ही खत्म हो जाता है बहन का कॉल, बहन का कॉल जैसे ही खत्म हो जाता है इसका कॉल, उसका कॉल, कॉल कॉल कॉल, ऐसे फेविकॉल जैसे चिपक के बैठती है फोन पे, ये जोड़ नहीं टूटेगा, चिपक 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 रे चिपक। नहीं मैं अपनी माँ के साथ 2 मिनट बात करूं तो आप सबके पेट में दुखता है। शर्मिला इधर सच में मेरे पेट में दुख रहा है, तू ये दौड़ रहे, भूख लगी है मुझे, करके रखा है ना मैंने, जाके खाइए दो ना मुझे। अरे वाह देखिए शौक, इतने शौक तो राजा भी नहीं करते। अब इनके आगे पीछे मैं ऐसे थली लेके घूमू, खाइए दो घास खाइए। चलिए। हेलो शर्वरी। हेलो। सच में क्या कमाल किया है कल तुमने। बस बस कितनी तारीफ करोगे, कल से तारीफ कर रहे हो। शुरू हो गए लव बर्ड्स, अब तो और प्यार पड़ेगा, दूरियां भी है जरूरी। क्या करूं शर्वरी, तुमने काम ही ऐसा किया है, बार बार तुम्हारी तारीफ करने की इच्छा हो रही है। मैं तो कल डर ही गया था, ऐसा लगा तुमको खो दूं। जाओ जाओ तुम्हें देर नहीं हो रहा, काम पे जाना है ना। हाँ क्या लगा है, मैंने बोला था ठीक से लगाए, तेरा नीचे आ गया है। हैप्पी विजयादशमी शर्मिला। तुमको भी सुमित्रा, तुमको भी सुमित्रा। क्या लगाया है, बहुत नीचे आया है वो फ्लावर। श्रेया के पापा का कमल देखो ना, ये क्या है सब, मुंह को ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही नीचे आया है वो, अच्छा नहीं दिख रहा।
वैसे मेन्यू क्या था आज का? पूरन पूरी की थी मस्त पैकी आमटी भात। वाओ, मुझे और मेरी बेटी को ना बहुत पसंद है पूरन पूरी, और वो आमटी होती है ना तुम्हारी, बहुत पसंद है मुझे। दूंगी दूंगी सुमित्रा, तुमको कभी भूलती हूँ क्या मैं? जरूर दूंगी। हाँ हाँ, इंतजार रहेगा। अनुष्का तो सुबह ही बोल रही थी, मैंने कहा बेटा अभी मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता बोलना किसी को ऐसे, है बाद में दे देंगी वो, अभी बता देती हूँ मैं। दे रही आंटी दे रही है। मैडम के भाव भी बढ़ गए। वो तो है। चलो मैं आती हूँ। अननोन नंबर किसका है ये? हेलो, क्या मेरी बात शर्मिला जी से हो रही है? शर्मिला परवीज जी। हाँ मैं शर्मिला बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस मैम, आप जीत चुकी हो ब्रांड न्यू कार। तुमको क्या लगा ये सब झूठी बात तुम्हें मैं आ जाऊंगी? रखो फोन, हमको नहीं चाहिए कोई गाड़ी। मैम ये कोई फेक कॉल नहीं है, आपको सच में ब्रांड न्यू कार लगी है लकी ड्रॉ में। ओने कार लगी है कार हमको? अरे फेक कॉल होगा, फेक कॉल रख दो। नहीं मुझे ऐसा विश्वास नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल फेक कॉल आते हैं। वैसे तो मैं आपको सब क्लियर कर देती हूँ, आपने पिछले मंथ एक साड़ी ली थी और साड़ी के ऊपर आपको एक लकी ड्रॉ का कूपन मिला था, वो आपने लिया था? हाँ लिया था मैंने। शायद आपने कूपन लेते हुए पूछा नहीं होगा, आज दशहरा है और हम दशहरे के दिन अनाउंस करने वाले थे विनर, और आप हो लकी ड्रॉ के विनर और आपको मिलती है ब्रांड न्यू कार। हमको कार लगी है कार लकी ड्रॉ में? हाँ हाँ। अगेन मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपको एक बार एड्रेस क्लियर कर देती हूँ, मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिए, आपका एड्रेस यही है ना? फ्लैट नंबर 3 किलबिल सोसाइटी आड़ापाड़ा रोड। एकदम बराबर एड्रेस है, आपको कैसे पता? मैम मैंने आपको कहा ना ये 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। अगेन 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 आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी सहयोगी आपको थोड़ी देर में कॉल करेगी, आप उसका फोन पिकअप करना, अभी मैं रखती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय। हाँ थैंक यू। कार लगी हमको? झूठ बोल रही है वो तुमको। सच बात कर रही हूँ मैं, उसने हमारा एड्रेस भी बोला और ये भी कहा कि आपने 420 गली से मैंने ली थी ना सेल की साड़ी, तो वहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा था, उस लकी ड्रॉ में मैंने वो साड़ी दी और उस साड़ी के ऊपर मुझे कार मिलने वाली है। शर्मिला इतनी भोली कैसे हो सकती हो तुम? ऐसे कॉल रोज आते, अगर ऐसी गाड़ियाँ लोगों को मिलने लगी तो पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, सारे रास्ते के ऊपर बस गाड़ियाँ दिखेंगी। ठीक है जब कार आएगी तब देख लेना। चलो मान लो कार आ गई, क्या करोगी कार का? तुमको तो कार चलानी आती नहीं। सीख जाऊंगी चलाना, पूरा घर चला रही हूँ, वो तो क्या 4 पहियों की गाड़ी है।